मी टू मूवमेंट के तहत कई सनसनीखेज खुलासे पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की डीएसपी शशि ठाकुर ने भी अपनी आप बीती बताई है। आइए जानते हैं उनसे इस सारे मामले के बारे में। मैम, आपका हमारी चैनल 7+ में स्वागत है। मैम, ये जब से मी टू मूवमेंट शुरू हुआ है, काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी जानी मानी हस्तियों ने अपनी आप बीती जो पास्ट में उनके साथ हुआ है वो खुल के जाहिर किया है। उसी कड़ी में आपने भी अपनी आप बीती बताई है। मैम, आप इस मामले पर पूरी रोशनी डालिए। मैम, मैंने बेसिकली ना 5-7 साल पहले एक इंक्रोचमेंट हो रही थी यहाँ, तो मैंने उसके लिए एज ए बिसल ब्लोअर, स्टेट लैंड की इंक्रोचमेंट हो रही थी, नाले की हो रही थी, एज ए बिसल ब्लोअर मैंने नहीं, सारे लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दी थी, लेकिन लास्ट में बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया, लेकिन मेरे को पकड़ लिया। और जो नेक्सस था, चाहे वो कुछ लोग पुलिस के थे, रेवन्यू के थे, और मैंने जो भी होंगे बीच में इन्वॉल्व, वो क्रिमिनल्स वही, तो उन्होंने मेरे पर ना काफ़ी एट्रोसिटीज़ से, जैसे FIR लगवा दिया झूठा, जैसे मेरा घर आके तड़वा दिया, जैसे मेरी प्रमोशन रुकवा दी, मतलब हर किस्म की जो एट्रोसिटीज़ होती है ना, इतना टाइट कर दिया कि इवन मेरे बॉडीगार्ड्स तक मुझे छोड़ के जाने लगे कि मैम आपको तो इन्होंने एक्सीडेंट करवा देना है, क्योंकि जो इंक्रोचर्स थे वो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने मर्डर्स भी किए हुए हैं, उन्होंने हिस्ट्री शीटर हैं वो, उनके ऊपर PSA भी लगा हुआ है, और वो कोई राज में बात नहीं है, सबके सामने है वो। लेकिन अब अफसोस की बात कि इन लोगों को वो क्रिमिनल ही ठीक लग रहा था, और शशि ठाकुर पे बहुत प्रॉब्लम थी, इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ थी, इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ थी कि मेरी तो कोई सुन नहीं रहा था, बहुत एप्लीकेशन दी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। हाँ, एक SK वाला है, उन्होंने एप्लीकेशन एक भेजी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे उन दिनों में, और उन्होंने उस एप्लीकेशन के बेस पे विजिलेंस में केस दे दिया। मुझे कहीं थोड़ी सी राहत मिली कि मत अब विजिलेंस में कोई ठीक कर ले। और हुआ भी कुदरती ऐसा कि उसकी जो टीम थी नीचे बहुत अच्छी थी, जैसे सांगड़ा साहब थे, पंडिता साहब थे, तो ये बहुत अनेस्ट, और वो CBI में भी रह चुके हैं, तो इनका बड़ा अच्छा रेपुटेशन है, तो मुझे थोड़ा सा राहत हुई कि शुक्र है भगवान का, क्योंकि मैंने बड़ा बैड एक्सपीरियंस देखा था बाकियों को। इन्होंने पूरा और मैंने पूरा, उस वक्त तक मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली हुई थी, मतलब इकट्ठी कर ली हुई थी, जैसे फेक लट्ठा, जैसे क्या नाम इसका, फेक डॉक्यूमेंट्स, पुलिस के जो फेक सारे इन्होंने मिस्टेक्स जो भी की हुई थी, तो सारी कागज़ों पत्रों में थी, कोई ऐसे तो है नहीं है बात, मुंह से तो चलो हुई वो बात थी, या क्रिमिनल्स ने जो की हुई थी, तो उन्होंने वो पकड़ी, उसको अच्छा खासा केस बनाया, 3 साल लगाए, और वो केस रिकमेंड कर दिया FIR के लिए। जब FIR रिकमेंड की तो SSP साहब को भेजनी होती है, कुशल कुमार शर्मा थे उन दिनों में, उन्होंने भी उसको रिकमेंड कर लिया कि बिल्कुल ठीक शशि कह रही है, इस पर FIR लगेगा। वहाँ से आगे चला गया, ये आना होता है इनके पास, DIG साहब ने पहले से ही कहा हुआ था कि ये जो लैंड है ये गलत है, शशि ठाकुर ठीक कह रही है, और उतनी देर में ये अब आना होता है डायरेक्टर विजिलेंस के पास अप्रूवल के लिए, वहाँ का ऐसा कोई वो है कि अप्रूवल के लिए। जैसे मैं फाइल फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ये 2-3-4 साल जो पीछे, ये 10 से है कि हम इस एज ए बिसल ब्लोअर मैं इस केस को लगी हुई थी, तो मैं बड़ा सीरियसली फॉलो कर रही, क्योंकि मुझे बड़े बैड एक्सपीरियंस हो रहे थे, जहाँ जाती तो पहले दिन तो बड़ा अच्छा ये वो, तो दूसरे दिन कोई बाथरूम में छुप रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई गलत रिपोर्टें दे रहा है, अगर नहीं गलत रिपोर्ट दे रही तो छुपा दी नहीं उसने, मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस था मेरे साथ, तो मैं इसको बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रही थी। मेरा 27 साल का रेपुटेशन सारा बिखरता दिखाई दे रहा था, तो मैंने ये किया कि मैं वैसे ही उस फॉलो, जैसे मैं फॉलो बाकी केसेस में सबके लिए कर रही थी, वैसे ही मैं उनके पास भी चली गई, और मैं उनके उससे पहले भी गई हुई थी, और उस वक्त भी मैं गई, तो मैंने यही कहा कि सर प्लीज़ बहुत देर हो गई है, बहुत हो गया है, अब ऐसा करो कि प्लीज़ इसको FIR लगा दो। कहते हाँ कोई बात नहीं, लग जाएगा, एक दिन में लग जाएगा। बड़ी खुश हो गई जब दूसरी बार गई उनके पास, तो वहाँ मूड ही चेंज था, मूड नॉट के इन बैड, कोई वो थे गुस्से में थे, मगर हाँ देखो आपको भी पता है कितना स्ट्रेस आ रहा है, नहीं तो आपको इतनी प्रॉब्लम आनी थी, देखो आपका FIR 5-3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब रातों रात इन्होंने कर दिया था, तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखो वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इतना तो शशि देखो ऐसे थोड़ी होता है, तो मतलब करते करते वो वही सेक्सुअल फेवर्स में आ गए, वही हैरेसमेंट, वही सब कुछ, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, नेचुरल मैं बाहर आ गई, तो बाहर डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, तो वो बोलते जी वो मतलब उन्होंने मेरा देखा कि एकदम बाहर आई है, तो आते ही वो आगे मिले, कहते शशि देखो मान लेनी चाहिए ऐसी बातें कोई कहे, तो मैं आ गई, मैंने विजिलेंस के ऑफिसर्स को सुनाई नहीं कोई बात, उनको कैसे है, थोड़ी कोई सुनाता है, मैंने सुनाई नहीं, मैंने ये पूछा, मैंने कहा क्या
डायरेक्टर साहब चेंज कर सकते हैं FIR को, अगर ऐसा हो गया हो कि सारे लट्ठे फेक चीज़, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक रिपोर्ट्स, फेक सब को, इतनी मिस्टेक्स को वो छुपा सकते हैं? सारे कहते मैडम ये नहीं हो सकता, ये हमारी 3 साल की मेहनत है, ये आपकी 4-5 साल की मेहनत है, ऐसा नहीं हो। मैंने भी सोचा शायद नहीं होता होगा, होता होता वैसा ही होना शुरू हो गया, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखना शुरू। जब आपके पास फ्रेम्ड FIR आपके टेबल पे पड़ा है, रिकमेंडेशन FIR की पड़ी हुई है, उसके बाद आप मतलब रेवेन्यू को चिट्ठियाँ लिखोगे कि बताओ क्या, और उसमें सब कुछ लिख रहे हैं तो लिखोगे तो उसका क्या मायना होता है? अगर 15 आपके पास या 10 आपके पास रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी पहले आ गई हैं, मुझे बताइए 11वीं रिपोर्ट मेरे फेवर में आई या उनके फेवर में आई, उसका मायना है कोई? वो तो FIR लगाओगे तो इन्वेस्टिगेट करोगे ना आप। नहीं, इतना ही नहीं, फिर मैंने इमीडिएट जब मुझे पता चला, हालांकि ये सारी बातें छुपा के हो रही थी मेरे से तो नहीं, तो मुझे पता चला तो मैंने इमीडिएट चीफ विजिलेंस कमीशन जो इन्हीं के हेड होते हैं उनको मैंने ये पूरा वाक्या और क्या क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, वो एक्सप्लाइट कर रहे हैं मेरे को, अंडियो फेवर मांग रहे हैं, प्लीज़ आप इंटरवीन बीच में करो। इंटरवीन तो उन्होंने भी करा और उनके पास भी बहुत बार गई हूँ मैं लगातार, मतलब मैं बहुत फॉलो कर रही थी। आज तक अब उस मसले का समाधान हुआ है कि नहीं? मैडम अफसोस ही वही है, आग ही तो वही है ना, वही पेट में, कि उसी का समाधान नहीं, अभी वहीं की वहीं मैं खड़ी हूँ, बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी हूँ। जो कोई पुलिस से रिपोर्ट मांगता है वो गलत रिपोर्टें दे देते हैं, रेवेन्यू से रिपोर्ट मांगते हैं वो ड्रामा करके गलत देते हैं, मतलब मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, ऐसा ही होता है सबके साथ क्या? रेवेन्यू वालों को भी नहीं पूछूंगी, आप तो पब्लिक से आप पूछो कैसा है। मैं जम्मू में बढ़ा रही हूँ, मैक्सिमम मुझे इन्होंने अप्रूव करने के लिए हर थाना भी दिया हुआ, ऐसी बात नहीं है, तो आप पब्लिक से पूछो ना जरा कैसा है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड पूछो, जहाँ शादी की है उस बैकग्राउंड की बात करो। हालत मेरी ये हो गई कि उन क्रिमिनल्स को जो FIR उनके सामने रखा हुआ है उनमें जो क्रिमिनल मेंशन किए हुए हैं, मींस वही इंक्रोचर्स, वही मर्डर, उनसे एप्लीकेशन ली जाती है और मेरे ऊपर इंक्वायरी खड़ी कर दी जाती है। खैर जब नीचे आई तो एक उन्होंने IO ने कहा कि नो ये डिस्पोज ऑफ करो, क्योंकि हम जो इंक्रोचर जो उसमें एक्यूज है उससे हम एप्लीकेशन नहीं ले सकते अंडर रूल, तो कैसे ये 3 साल हमने इन्वेस्टिगेशन किया है हमारी नज़रों में वो एक्यूज है तो हम कैसे एप्लीकेशन। मैडम वो दोबारा एप्लीकेशन ली, दोबारा उसकी इंक्वायरी बनाई और फिर दूसरे आदमी को दी, और फिर अगर आप जब कोई और वो कॉल डिटेल्स देखे था तो कंटिन्यू टेलीफोन कर करके उसको पैरवाई की है कि इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ केस बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, और कोशिश की है इन्होंने हर जगह मेरे ऊपर केस बनाने की, मगर कुछ होता तो बनता ना, कोशिश बहुत की है तो मतलब इतनी। या फिर जिन लोगों ने सारी इरेगुलरिटीज की हैं उसके बाद उनको बुलाना, उनसे रिप्रेजेंटेशन लेना, ये सारी FIR में रिकमेंड होने के बाद, सारा ड्राफ्ट होने के बाद, तो मतलब इस किस्म का छोटापन होना, या मैंने कहाँ कहाँ कोशिश नहीं है, किस जगह नहीं, मतलब मुझे जम्मू का कोई ऑफिसर ये कह दे, कोई DC ये कह दे, कोई मेरे ऑफिसर कोई भी कह दे कि शशि ठाकुर हमारे पास नहीं आई है, गिड़गिड़ाती और ये कहती कि सर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड देखो, मेरा पीछे देखो, आगे देखो, मेरा कैरियर देखो सारा, मेरे को आप ऐसे हशर कर रहे हो, एज ए लैंड ग्रैबर हशर कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं समझ आई कौन सा ऐसा आला था जो उनके ऊपर फिर जाता था तो सो जाते थे। खैर मैडम अब भी कोई बिगड़ा थोड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन सारी इधर है, ज़मीन इधर है, नाला इधर है, सब कुछ तो इधर है। मैं कह रही हूँ कोई आए ना कोई, अब सुना है मैंने ये मेनिका गांधी कोई उसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और वरिष्ठ मतलब वो जजेस वहाँ बैठ रहे हैं, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ, ये तो भगवान ने मेरी सुनी है और किसी के पता नहीं, सुनी नहीं सुनी ये तो मेरी सुनी है। अगर कहीं वो बैठेंगे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, मैं सारा कुछ बताऊंगी, हो क्या रहा है एक लेडी के साथ अच्छा काम करने वाली, मेरा रेपुटेशन पूछ लीजिए पीछे है क्या, मैंने कैसा काम किया, और इस टाइप का सलूक किया जाता है। कोई एक ऑफिसर मुझे ये कह दे कि शशि ठाकुर मेरे आगे आके गिड़गिड़ाई नहीं है, मैडम सारी ज़िंदगी में आंखों में मेरे आंसू नहीं आए हैं, मैं जिस ऑफिसर के पास जाती थी मेरे से बात नहीं हो सकती थी, इतना मैं हर्ट हुई थी इस बात से। और आज मी टू में मैं क्यों इतना खुल के आई हूँ कि मेरे संदर्भ में ना बहुत ज़्यादा बवाल है, नो डाउट मैं परसों से ट्रामे में भी बहुत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं रात को चैन से सो रही हूँ। तो ये थी DSP शशि ठाकुर, जिन्होंने मी टू मूवमेंट के तहत अपनी आप बीती हम सबके सामने रखी। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ सुचित्रा कॉल 7+ चैनल जम्मू।